गाड़ी। आज पेपा और उसका परिवार उनकी लाल गाड़ी में घूमने जा रहा है। क्या हम छत नीचे कर लें? हाँ, प्लीज। पेपा और जॉर्ज को उनकी गाड़ी पसंद है। तो क्या सब तैयार हैं? तैयार। तो चलो चले। मुझे अपनी गाड़ी पसंद है। और हमारी गाड़ी भी हमें पसंद करती है, है कि नहीं? ओह, गाड़ी में कुछ खराबी है शायद। क्या हुआ डैडी? मुझे पता नहीं। चलो इसे दादा डॉग की गैराज में ले चलते हैं, वो इसे ठीक कर देंगे। ये बहुत अच्छा आइडिया है। दादा डॉग का गैराज है, वो गाड़ियाँ ठीक करते हैं। ओहो डैडी पिग, आपकी गाड़ी में तो खराबी है। क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं दादा डॉग? हाँ, लेकिन इसमें पूरा दिन लग जाएगा। हम सब अपनी गाड़ी में घूमने जा रहे थे। फिक्र मत करो, तुम्हारी गाड़ी ठीक होने तक मेरी गाड़ी ले जाओ। थैंक यू दादा डॉग। क्या तुम्हें छत नीचे चाहिए? हाँ प्लीज। तो मैं बस इस लाल बटन को दबा देता हूँ। कितनी अच्छी गाड़ी है। तुम्हारे वापस आने तक मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक कर दूंगा। थैंक यू दादा डॉग। गुड बाय। बाय। गुड बाय। पेपा और उसके परिवार को नई नीली कार पसंद है। इस नई गाड़ी में तो बहुत सारे बटन्स हैं। हरे बटन से क्या होता है डैडी? चलो देखते हैं। जादुई खिड़कियाँ। डैडी, जादुई खिड़कियों को नीचे कर दो। नीले बटन से क्या होता है डैडी? मुझे नहीं पता, चलो देखते हैं। मुझे ये नई गाड़ी पसंद है, क्या हम इसे रख सकते हैं? नहीं, हम इसे नहीं रख सकते पापा, हमने बस ये आज के लिए ली है। ओ नहीं, लगता है बारिश होने वाली है। हाँ, तो मैं छत ऊपर कर देता हूँ। तो कौन सा बटन कहा था उन्होंने? मैं कितना बुद्धू हूँ। ये रहा वो बटन। नई कार ने डैडी पिग पर पानी उछाल दिया। बुद्धू डैडी, वो गलत बटन है। तो ये बटन रहेगा। ओप्स, ये तो नहीं है, तो ये रहेगा। डैडी पिग भूल गए हैं कि कौन से बटन से छत ऊपर होती है। ये गाड़ी शायद मुझे पसंद नहीं करती। हम लाल बटन दबा कर देखते हैं। हुरे! लेकिन बारिश अब रुक गई। क्या फिर से छत नीचे कर दे? क्यों नहीं, लेकिन कौन सा बटन था? लाल वाला। हुरे! दादा डॉग ने गाड़ी को ठीक कर दिया। तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई। हुरे! थैंक यू दादा डॉग, ये रहे तुम्हारे पैसे। थैंक यू डैडी पिग। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। बाय बाय। अच्छा हुआ हमें अपनी कार वापस मिल गई। मुझे नई गाड़ी अच्छी लगी, लेकिन अपनी गाड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। और मुझे लगता है कि हमारी गाड़ी भी हमें बहुत पसंद करती है ना? पेपा और जॉर्ज प्ले ग्रुप में जा रहे हैं। ये जॉर्ज का पहला दिन है। जॉर्ज, क्या तुम्हें प्ले ग्रुप में जाना अच्छा लग रहा है? डैडी, मुझे लगता है जॉर्ज अभी प्ले ग्रुप के लिए बहुत छोटा है। वो ठीक रहेगा पेपा, और फिर तुम और मिस्टर डायनासोर वहाँ उसके साथ रहोगे।
डायनासोर। लेकिन मैं बड़े बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ, ना कि जॉर्ज और उसके डायनासोर से। ओह डियर, पेपा जॉर्ज के साथ प्लेग्रुप में जाना नहीं चाहती। हम पहुँच गए। डैडी, आपको यकीन है जॉर्ज बड़ा हो गया है? वो ठीक रहेगा। ठीक है, ये आ सकता है। बाय बाय। मैडम गजेल प्ले ग्रुप के बच्चों की देखभाल करती है। हेलो, ये है मेरा छोटा भाई जॉर्ज। हेलो जॉर्ज। काश मेरा भी एक जॉर्ज जैसा एक छोटा भाई होता। सच में? हेलो, मैं हूँ डैनी डॉग। क्या ये डायनासोर है? ये सिर्फ एक खिलौना डायनासोर है। डायनासोर शानदार। डायनासोर सच में डरावना है। ये शानदार है। जॉर्ज मेरा भाई है और वो कमाल का है। पेपा को अपने छोटे भाई जॉर्ज पर गर्व है। चलो हम जॉर्ज को बताते हैं कि तस्वीरें कैसे बनती हैं। जॉर्ज की पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है। शायद तुम उनकी मदद कर सकती हो। हाँ, मुझे बहुत अच्छी आती है। मैं इसे दिखाऊंगी फूल कैसे पेंट करना है। जॉर्ज, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी फूल कैसे पेंट करते हैं। पहले तुम एक बड़ा सर्कल पेंट करो। नहीं जॉर्ज, ये रंग सही नहीं है। अब तुम फूल की पत्तियों को पेंट करो। जॉर्ज, ये सही शेप नहीं है। अब तुम इसकी डंडी और पत्तियां पेंट करो। परफेक्ट। जॉर्ज, तुमने बिल्कुल गलत बनाया है। देखें तो तुमने क्या बनाया है। मैंने एक फूल पेंट किया है। ये बहुत अच्छा है पेपा। और जॉर्ज ने पेंट किया है एक डायनासोर। ये डायनासोर। शानदार। जॉर्ज और पेपा की तस्वीरों को दीवार पर लगाना चाहिए। हुरे! पेपा, तुम्हें अपने छोटे भाई पर गर्व होना चाहिए। हाँ, मुझे है। घर जाने का समय हो गया और बच्चों के मम्मी पापा उन्हें लेने आ गए हैं। क्या जॉर्ज फिर से आ सकता है? हाँ, और एक अच्छी तस्वीर भी बना सकता है। अगली बार तुम क्या पेंट करोगे जॉर्ज? डायनासोर ग्रिल। एक और डायनासोर की तस्वीर। शायद तुम हमें सिखा सकते हो कि डायनासोर कैसे पेंट करते हैं। शानदार। हाँ, शानदार। थंडरस्टॉर्म। प्यारा और सुनहरा दिन है। पेपा और जॉर्ज पिकनिक मना रहे हैं। ये लो तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस। क्या कहना चाहिए टेडी? बहुत बहुत थैंक यू पेपा। ओ, कोई बात नहीं टेडी। और ये है ऑरेंज जूस तुम्हारे लिए डायनासोर। और तुम्हें क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छे मिस्टर डायनासोर। क्या टेडी और मिस्टर डायनासोर को कुकी चाहिए? ओ, हमें बहुत भूख नहीं है, इसीलिए पेपा और जॉर्ज सारी कुकीज खा सकते हैं। थैंक यू टेडी। ये अजीब आवाज कैसी? पेपा, जॉर्ज, जल्दी घर के अंदर आ जाओ।
मम्मी, एक बहुत ही डरावनी आवाज आई। ये गड़गड़ाहट है पेपा, इसका मतलब बहुत ज्यादा बारिश के साथ तूफान आएगा। जल्दी बारिश शुरू होने से पहले घर के अंदर आओ। ओ, घबराओ मत, बारिश आने में अभी बहुत देर है। आकाश ज्यादा और ज्यादा गहरा होता जा रहा है, तूफान आने वाला है। पेपा, जॉर्ज, क्या तुमने बगीचे से अपने सारे खिलौने लाए? डायनासोर। अच्छा है, मिस्टर डायनासोर सुरक्षित हैं। डैडी, मैंने डैडी को वहीं पर छोड़ दिया, वो गीला हो जाएगा। चिंता मत करो पेपा, डैडी पिक तुम्हारा डैडी ले आएंगे। जल्दी करो डैडी पिक, अभी बारिश होने वाली है। मुझे तूफानों के बारे में सब पता है, अभी तो बारिश आने में बहुत वक्त है। मुझे लगा ही था बारिश होने में अभी बहुत वक्त है। बेचारा टेडी पूरा भीग गया। हाँ बेचारा टेडी, चलो उसे सुखाते हैं। बेचारा टेडी। ये लो टेडी, तुम सूख गए। पर बेचारे डैडी का क्या, मैं भी तो भीग गया हूँ। ओ सॉरी डैडी पिग, आपको भी सुखा देते हैं। ये देखो डैडी पिग, बिल्कुल सूख गए। बारिश का पानी घर के अंदर आ रहा है, फर्श गीली हो रही है। अरे बाप रे, अब हम क्या करेंगे डैडी पिग? चिंता की कोई बात नहीं। डैडी पिग बूंदें इकट्ठा करने के लिए बाल्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। शाबाश डैडी पिग, बहुत ही आसान था। ये क्या? जल्दी पानी जमा करने के लिए कुछ और लेकर आओ। बहुत अच्छे पेपा, बहुत ही आसान था। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत बच्चों, कुछ नहीं होगा। हर एक चमक और शोर के बीच गिनती करते हैं, और ज्यादा गिनती करने से तूफान दूर चला जाएगा। एक, दो, तीन। तीन पर। एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच पर, तूफान दूर जा रहा है। तूफान शांत हो गया है। तूफान की वजह से बगीचे में मिट्टी के कई गड्ढे बने हैं। पेपा को मिट्टी के गड्ढों में कूदना बहुत पसंद है। सभी को मिट्टी के गड्ढों में कूदना पसंद है। मुझे तूफान बहुत पसंद है, उनकी वजह से मिट्टी के गड्ढे बनते हैं। चपक 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 चपक। The Sleepy Princess। रात हो चुकी है, पेपा और जॉर्ज सोने जा रहे हैं। गुड नाइट पेपा और जॉर्ज। मम्मी, डैडी। बोलो पेपा। मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या आप मुझे कहानी सुनाओगे? पर शायद जॉर्ज को नींद आ रही है और उसे कहानी नहीं सुननी। जॉर्ज, क्या तुम्हें कहानी सुननी है? हाँ बोलो। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ एक कहानी सुनाऊंगा। अगर डैडी पिग ने तुम्हें कहानी सुनाई तो प्रॉमिस करो कि तुम दोनों सो जाओगे। हम प्रॉमिस करते हैं। तो आज मैं तुम्हें स्लीपी प्रिंसेस की कहानी सुनाऊंगा। क्या ये एक अच्छी कहानी है? लगता है बोरिंग है। बोरिंग नहीं, बल्कि बहुत अच्छी है। क्या उसमें एक छोटी सी राजकुमारी है? पापा, अगर तुम बातें करती रहोगी तो डैडी पिग कहानी कैसे सुनाएंगे? सॉरी मम्मी, क्या कहानी में एक छोटी सी राजकुमारी है डैडी? हाँ, कहानी में एक छोटी राजकुमारी है। एक स्लीपी प्रिंसेस।
बहुत पहले की बात है, एक महल में एक छोटी राजकुमारी रहती थी और उसे कहते थे स्लीपी प्रिंसेस। डैडी, उसे ऐसा क्यों कहते थे? ये मैं बाद में बताऊंगा। क्या स्लीपी प्रिंसेस बहुत सुंदर थी? हाँ, बहुत सुंदर। उसे अपने आप को आईने में देखना बहुत पसंद था। ओह, मैं कितनी सुंदर हूँ। उस महल में और कौन कौन रहता था? वहाँ अब उस महल में रहते थे एक छोटा सा प्रिंस, क्वीन मम्मी और किंग डैडी। बिल्कुल, वो सभी साथ रहते थे। क्या किंग डैडी का भी पेट बड़ा था? बिल्कुल नहीं, वो तो हैंडसम थे मेरी तरह। और हाँ, वहाँ पर एक ड्रैगन भी था। डायनासोर? अरे हाँ, वो ड्रैगन नहीं था, वो डायनासोर था। बाहर एक बड़ा भयंकर डायनासोर था। ओहो, शायद वो डायनासोर इतना भी भयानक नहीं था, है ना डैडी पिग? सॉरी जॉर्ज, नहीं, वो डायनासोर बहुत दयालु था। वो सिर्फ घास खाता था। डैडी पिग। ओप्स, सॉरी, मैं भी डायनासोर बन गया। डैडी, प्रिंसेस को स्लीपी प्रिंसेस क्यों कहते थे? वही तो बता रहा हूँ। वो क्या हुआ, शाम हो गई, तारे और चांद दिखने लगे और सबको बहुत नींद आने लगी। पर सबसे ज्यादा नींद स्लीपी प्रिंसेस को आई। पेपा, नींद आ रही है? नहीं डैडी, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। पर किसी को आ गई है। जॉर्ज, उठो भी, कहानी का अंत सुनना है कि नहीं? पेपा को तो नींद नहीं आ रही होगी, पर स्लीपी प्रिंसेस सो गई थी। सारा दिन आईने में देखकर वो पूरी तरह से थक गई थी। चलो तुम्हें बिस्तर पर सुलाता हूँ। गुड नाइट। और फिर इस तरह से स्लीपी प्रिंसेस गहरी नींद सो गई। कहानी के लिए थैंक यू किंग डैडी। यू आर वेलकम क्वीन मम्मी। और हमारे छोटे प्रिंस और प्रिंसेस को भी बड़ा मजा आया। फैंसी ड्रेस पार्टी। पेपा और जॉर्ज के यहाँ फैंसी ड्रेस पार्टी है। उन्होंने अपने सभी दोस्तों को बुलाया है। पेपा ने परियों की राजकुमारी की ड्रेस पहनी है और जॉर्ज ने डायनासोर की ड्रेस पहनी है। ये है पेपा के दोस्त कैंडी कैट, सुजी शीप, डैनी डॉग, रेबेका रैबिट और पेड्रो पोनी। सुजी ने नर्स की ड्रेस पहनी है। हेलो सुजी। हेलो मिस्टर पिग। मुझे खुशी है कि नर्स आ गई। क्या तुम अभी अस्पताल से आई हो? मैं असली नर्स नहीं हूँ, मैं तो फैंसी ड्रेस वाली नर्स हूँ। बहुत अच्छे। अरे वाह, ये कौन आए हैं? मैं हूँ पायरेट, मुझसे सब डरो। मैं जादूगरनी हूँ, मैं तुम्हें मेंढक बना सकती हूँ। नहीं, मैं एक जोकर हूँ। बहुत अच्छे। तुम क्या बनी हो रेबेका रैबिट? मैं गाजर हूँ। बढ़िया, अंदर आ जाओ, एक फेरी प्रिंसेस और डायनासोर तुम सबसे मिलने के लिए रुके हैं। कैसे हो दोस्तों? हेलो पेपा। हेलो सुजी, मैं हूँ राजकुमारी पेपा। तुम्हें मुझसे झुक कर बात करनी चाहिए। हेलो राजकुमारी। मैं हूँ नर्स सुजी। मुंह खोल कर कहिए आ, आ। नहीं, मैं हूँ जोकर। कुछ मजेदार करो। रेबेका, तुम गाजर की ड्रेस में क्यों हो?
मुझे गाजर पसंद है। डायनासोर। बाप रे, डरावना डायनासोर। पेपा आईने में खुद को खुशी से देख रही है। दीवार पर टंगे हुए आईने, बताओ सबसे सुंदर कौन है? तुम हो पेपा। हेलो पेपा। हेलो, मैं परियों की राजकुमारी हूँ। और मैं जादूगरनी। मेरे पास एक जादुई छड़ी है। मेरे पास भी जादुई छड़ी है। मैं तुम्हें मेंढक बना सकती हूँ। और मैं भी तुम्हें मेंढक बना सकती हूँ। डायनासोर। ओहो, जॉर्ज तो खुद को देखकर ही डर गया। ओफो जॉर्ज, देखो आईने में तुम ही हो। बच्चों, अब ये तय करना है कि सबसे अच्छा फैंसी ड्रेस किसने पहना है। अब जज कौन बनेगा? ये पेपा की पार्टी है तो जज भी उसे बनना चाहिए। मैं जज हूँ, मैं जज हूँ। डैडी, जज क्या होता है? जज तय करेगा सबसे अच्छा ड्रेस किसका है। अरे वाह, पेपा ये तय करेगी कि किसकी ड्रेस सबसे अच्छी है। सूजी, क्या मैं तुम्हारा ड्रेस देख सकती हूँ? मैं नर्स सूजी हूँ, मैं लोगों को ठीक करती हूँ। शाबाश नर्स सूजी। अब डैनी। मैं हूँ पायरेट, मुझसे सब डरो। अब कैंडी। मैं जादूगरनी हूँ, मैं तुम्हें मेंढक बना सकती हूँ। मैं परियों की राजकुमारी और मैं तुम्हें मेंढक बना सकती हूँ। बच्चों बच्चों। सॉरी मम्मी। अब कौन? मैं जो करूँ। कितना मजेदार है। और रिबेका? मैं गाजर हूँ। अरे वाह। और मेरा छोटा भाई जॉर्ज डरावना डायनासोर बना है। सबके ड्रेस बहुत अच्छे हैं। अब तुम बताओ विजेता कौन है? अरे हाँ, और विजेता है पेपा। पेपा, तुम खुद को नहीं चुन सकती, तुम जज हो। ओह, नहीं कर सकती। तुम्हें कोई और विजेता चुनना होगा। ठीक है, गाजर जीती। थैंक यू। पेपा को फैंसी ड्रेस पार्टी बहुत पसंद है। सभी को फैंसी ड्रेस पार्टी बहुत पसंद है। कैंपिंग। पेपा और उसका परिवार कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है। हम पहुंच गए। पेपा, जॉर्ज, ये टेंट मैं छोटा था तब से मेरे पास है। डैडी, आप इन चीजों से टेंट कैसे बनाएंगे? चिंता मत करो पेपा, मैं कैंपिंग में एक्सपर्ट हूँ। मम्मी पिग, लकड़ियों पर टेंट लगाओ प्लीज। देखा तुमने, कितना आसान है। क्या ये खूंटे किसी काम के हैं? बिल्कुल, मैं पेग्स के बारे में तो भूल ही गया। पेग्स के सहारे टेंट खड़ा हो गया। हो गया। ये टेंट थोड़ा छोटा लग रहा है। जब मैं छोटा था तो ये बहुत बड़ा था, लेकिन अब ये छोटा क्यों लग रहा है? क्योंकि तब आप बच्चे थे और अब आप बड़े हो गए हो डैडी पिग। और आपका पेट सबसे बड़ा हो गया है। पेट से याद आया, चलो खाना बनाते हैं। आग जलाने के लिए हमें लकड़ियाँ जमा करनी होगी। पेपा और जॉर्ज कैंप फायर के लिए लकड़ियाँ ढूंढने में डैडी पिग की मदद कर रहे हैं। जॉर्ज, मैं लकड़ियाँ उठाऊंगी और तुम इन्हें पकड़ लेना। लकड़ियाँ इकट्ठा करने में मजा आ रहा है। बहुत अच्छे, इतनी काफी है। बहुत अच्छा कैंप फायर है, अब जलाते हैं। ये रही माचिस। हमें माचिस की जरूरत नहीं है। डैडी, माचिस के बगैर कैसे जलाओगे? मैं पुराने तरीके से आग जलाने वाला हूँ, दो लकड़ियों को एक दूसरे पर घिस कर। डैडी पिग कैंप फायर जलाने के लिए दो लकड़ियाँ एक दूसरे पर घिस रहे हैं। आग कहाँ है डैडी? थोड़ा सब्र करो। देखा कितना आसान है। अब हम टमाटर का सूप गर्म कर सकते हैं। प्रकृति की आवाजें सुनाई दे रही हैं।
ये कैसी आवाज है? ये कीड़ों की चीची आवाज है। ये किसकी आवाज थी? वो उल्लू है, देखो वहाँ पर। वाह! और ये कैसी आवाज है? ओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये डैडी के पेट की आवाज है। मेरे पेट की आवाज प्रकृति की सबसे अच्छी आवाज है। इसका मतलब खाने का वक्त हो गया। मुझे टमाटर सूप बहुत पसंद है। मुझे भी। और अब सुनो डैडी पिग की एक और आवाज। क्या? चलो बच्चों, टेंट के अंदर अब सोते हैं। हम सब इसमें कैसे जा पाएंगे? ये तो बहुत छोटा सा है। सब ठीक है, जाओ तो अंदर। चलो मम्मी पिग, थोड़ी जगा दो मुझे। डैडी, आप इस टेंट के लिए बहुत बड़े हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे बाहर सोना अच्छा लगता है। गुड नाइट डैडी पिग। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट। सबको गुड नाइट। मम्मी पिग, पेपा और जॉर्ज टेंट में सो रहे हैं और डैडी पिग बाहर सो रहे हैं तारों के नीचे। मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है, खुली हवा में तारों के नीचे सोना। शायद ये आइडिया कुछ खास नहीं था। सुबह हो गई है। डैडी, टेंट में बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आया। ओह, डैडी कहाँ है? डैडी पिग चले गए। बेचारे डैडी पिग, बारिश की वजह से उन्हें ठंड लग रही होगी। अब कहाँ है वो? ये कैसी आवाज है? ये तो खर्राटों की आवाज लग रही है। डैडी पिग। क्या हुआ? डैडी आप ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? कैंपिंग में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं गाड़ी में आकर सो गया। पुत्तू डैडी पिग। मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है। बच्चे संभालना। मम्मी पिग और डैडी पिग शाम को घूमने जा रहे हैं। दादी पिग और दादा पिग बच्चों को संभालने वाले हैं। दादी पिग, दादा पिग, दादी एक, दादा एक। हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हेलो। पेपा, जॉर्ज, चलो सो जाओ जल्दी। गुड नाइट मेरे छोटे पिगीज। गुड नाइट, सो जाओ बच्चों। गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट डैडी। कितने प्यारे बच्चे हैं। अब जल्दी से सो जाओ। जी मम्मी। कितने अच्छे बच्चे हैं। मम्मी पिग और डैडी पिग बाहर जाने के लिए तैयार हैं। और जॉर्ज कितने अच्छे हैं। मम्मी पिग का कहना मान लिया और दोनों सो गए। इन बच्चों को संभालना बहुत आसान है। जॉर्ज, जॉर्ज, क्या तुम जाग रहे हो? ये कैसी अजीब आवाजें हैं? शायद हमें ऊपर जाकर देख लेना चाहिए। पेपा, जॉर्ज, क्या तुम जाग रहे हो? लगता है दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। ओह, तो इसका मतलब वो शोर पेपा और जॉर्ज नहीं कर रहे थे। अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है वो गहरी नींद में सो गए हैं। चलो थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं। गार्डनिंग, आज हम गुलाबों के बारे में बात करेंगे। मुझे गार्डनिंग के शो बहुत पसंद हैं। कैप्सकेट एक विशेष कांटेदार गुलाब है।
उसकी कटाई करने के लिए सबसे पहले उसका ऊपरी हिस्सा काटो और फिर टहनियाँ काटो। दादा पिग, पेपा, जॉर्ज, तुम्हें तो अभी सोना चाहिए। जॉर्ज और मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही, क्या हम आपके साथ टीवी देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, शायद थोड़ा टीवी देखकर तुम्हें नींद आ जाए। ये! आइसलैंड के गुलाब किसी ज्ञानी गार्डनर के लिए बहुत मायने रखते हैं, पर ज्यादातर वो ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं। ओह, ये शो तो बहुत ही बोरिंग है। दादा पिग, क्या हम वो खेल खेल सकते हैं जिसमें आप हमें उछाल कर पकड़ते हो? ठीक है, पर दोनों को सिर्फ एक एक बार। तुम तो पहले से भारी हो गई हो। अब जॉर्ज की बारी। हाँ, मेरी बारी। और ऊपर, और ऊपर। दादा पिग थोड़े से थक गए हैं बच्चों। तो दादी पिग, क्यों ना हम पकड़ा पकड़ी खेले? चलो दादी, आपकी बारी। नहीं पकड़ सकते आप। मम्मी पिग और डैडी पिग घर वापस आ गए। हमारे छोटू पिगी सो रहे होंगे। हेलो, कोई जाग रहा है? छोटे पिगीज सो रहे हैं और बड़े पिगीज भी। Frogs and worms and butterflies. पेपा और जॉर्ज गार्डन में ग्रैंडपा की मदद कर रहे हैं। कितनी सुंदर बटरफ्लाई है। ग्रैंडपा, बटरफ्लाइज को फूल क्यों पसंद है? उन्हें फूलों से अपना खाना मिलता है। कैसे? उनकी बहुत लंबी जीभ होती है। मुझसे भी लंबी? ओ हाँ, बटरफ्लाई की जीभ तुम्हारी जीभ से भी लंबी होती है, इससे वो फूलों का रस पीती है। वाओ! पेपा, बटरफ्लाई को लगता है कि तुम एक फूल हो। लेकिन मैं फूल नहीं हूँ, मैं पेपा पिग हूँ। ये कितनी प्यारी है, मैं एक बटरफ्लाई बनना चाहती हूँ। पेपा बटरफ्लाई बनकर खेल रही है। मैं एक छोटी बटरफ्लाई हूँ। जॉर्ज भी खेलना चाहता है। जॉर्ज, मैं बटरफ्लाई हूँ, तुम कुछ और क्यों नहीं बन जाते? मुझे पता है, तुम रेंगने वाले वर्म बन सकते हो। देखो देखो, मैं एक बटरफ्लाई हूँ। ओह डियर, जॉर्ज वर्म नहीं बनना चाहता, वो बटरफ्लाई बनना चाहता है। जॉर्ज, जब मैं छोटा पिगी था, मुझे वर्म बनकर खेलना पसंद था। वर्म बनना बहुत आसान है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। पहले तुम्हें जमीन पर लेटना होगा, फिर इस तरह रेंगना होगा। मैं एक रेंगने वाला वर्म हूँ। जॉर्ज और ग्रैंडपा पिग को रेंगने वाले वर्म्स बनकर बहुत मजा आ रहा है। मैं एक छोटी बटरफ्लाई हूँ, मैं एक छोटी बटरफ्लाई हूँ। देखो देखो, मैं छोटी बटरफ्लाई हूँ। हाँ पेपा, तुम एक सुंदर बटरफ्लाई हो। ग्रैंडपा जॉर्ज, अब क्या कर रहे हैं? हम रेंगने वाले वर्म्स हैं। मैं भी रेंगने वाला वर्म बनना चाहती हूँ, मैं रेंगने वाली वर्म हूँ। मैं एक रेंगने वाली वर्म हूँ। मैं हूँ रेंगने वाली वर्म, मैं हूँ रेंगने वाली वर्म। आप कैसे हैं? आप मुझे अच्छे लगते हैं, मैं हूँ रेंगने वाली वर्म।
वो बहुत अच्छा था। अब तुम कौन सा जानवर बनना चाहते हो? मैं नहीं जानती। देखो ग्रैंडपा, यह एक छोटा फ्रॉग है। तुम फ्रॉग बनकर क्यों नहीं खेलते? फ्रॉग इतने प्यारे नहीं होते जितने बटरफ्लाई, और वो ऐसे नहीं रेंगते जैसे वर्म। लेकिन फ्रॉग से एक खेल खेलते हैं जो तुम्हें पसंद है। क्या फ्रॉग गुड़ियों का घर खेलते हैं? प्यारी पेपा, तुम्हारा मन पसंद खेल क्या है? मिट्टी के गड्ढों में खेलना। हाँ, फ्रॉग्स को पसंद है मिट्टी के गड्ढों में खेलना। हाँ जॉर्ज, चलो फ्रॉग बन जाते हैं। मैं एक छोटी फ्रॉगी हूँ। मैं एक छोटी फ्रॉगी हूँ। फ्रॉगीज को खेलने के लिए एक अच्छा बड़ा मिट्टी का गड्ढा मिल गया। पेपा और जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढों में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है। सबको मिट्टी के गड्ढों में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है। बटरफ्लाईज और वर्म्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे फ्रॉग ज्यादा अच्छे लगते हैं। Dressing up. Peppa और जॉर्ज मम्मी और डैडी के बेडरूम में खेल रहे हैं। ये क्या चीज है? Peppa को पुराने कपड़ों का एक बॉक्स मिलता है। वाओ, ये डैडी का हैट है और ये मम्मी की ड्रेस है। जॉर्ज, चलो तैयार होते हैं और मम्मी डैडी बनकर खेलते हैं। यह है डैडी का हैट और यह है डैडी का कोट। हेलो डैडी पिग। अब मेरी बारी है। ये मम्मी की ड्रेस है और ये मम्मी का हैट है। डैडी पिग, आपके जूते कहाँ हैं? और अब मुझे भी जूते चाहिए। अब मुझे सुंदर लगना है मम्मी की तरह। पेपा को मम्मी का मेकअप बॉक्स मिल गया। आहा, पहले थोड़ा पाउडर। बहुत प्यारी। अब थोड़ी लिपस्टिक। कितनी प्यारी मम्मी पिग है। आओ चले डैडी पिग, ये काम पर जाने का समय है। मम्मी पिग अपने कंप्यूटर पर काम कर रही है। हेलो पेपा। हेलो जॉर्ज। जरा माफ कीजिए पेपा, मैं तो हेलो कह रही थी। मैं पेपा पिग नहीं हूँ, मैं हूँ मम्मी पिग। ओह हाँ, बिल्कुल। हेलो मम्मी पिग। हेलो। और ये है डैडी पिग। जॉर्ज। और आपको भी हेलो डैडी पिग। एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत काम करना है। हेलो। हाँ, ऐसा करो वैसा करो, जैसा चाहे वैसा करो। गुड बाय। पेपा को मम्मी पिग बनकर मजा आ रहा है, लेकिन जॉर्ज बोर हो रहा है। माफ करना डैडी पिग, बस पूरा होने वाला है। लो, हो गया। चलो डैडी पिग, ये आपके काम का समय है। गुड बाय मम्मी पिग और डैडी पिग। गुड बाय। डैडी पिग गार्डन में खुदाई कर रहे हैं। हेलो पेपा। हेलो जॉर्ज। मैं पेपा नहीं हूँ, मैं मम्मी पिग हूँ और ये डैडी पिग है। डैडी पिग यहाँ कुछ काम करने आए हैं। आप बहुत अच्छे हैं डैडी पिग, थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुत गहरा गड्ढा है। उम्मीद है आप अपने अच्छे कपड़े पहनकर खुदाई नहीं कर रहे हैं डैडी पिग। मैं भी खुदाई करना चाहती हूँ।
सबके लिए आइसक्रीम। आइसक्रीम। पेपा, जॉर्ज, तुम्हें खाने से पहले ये गंदे कपड़े उतार देने चाहिए। मैं हूँ मम्मी पिग और ये है डैडी पिग। तुम्हें यकीन है? हाँ। तो पेपा और जॉर्ज कहाँ हैं? हम नहीं जानते। ये दुख की बात है क्योंकि मैं उनकी मनपसंद आइसक्रीम यहाँ लाई हूँ। अगर वो यहाँ नहीं है तो हम यहाँ हैं। पेपा, जॉर्ज, तुम यहाँ हो। हाँ मम्मी, हम आप और डैडी बनकर खेल रहे थे। तुमने सच में हमें बुद्धू बनाया। मडी पडल्स। आज बारिश हो रही है इसलिए पेपा और जॉर्ज बाहर नहीं खेल सकते। डैडी, बारिश रुक गई, अब हम बाहर खेलने जाएं? ठीक है, खेलो बाहर दोनों। पेपा को पसंद है मिट्टी के गड्ढों में कूदना। मुझे पसंद है मिट्टी के गड्ढे। पेपा, अगर तुम्हें मिट्टी के गड्ढों में कूदना है तो अपने बूट्स पहनने चाहिए। सॉरी मम्मी। जॉर्ज को भी पसंद है मिट्टी के गड्ढों में कूदना। जॉर्ज, अगर तुम्हें मिट्टी के गड्ढों में कूदना है तो तुम्हें अपने बूट्स पहनने चाहिए। पेपा अपने छोटे भाई जॉर्ज का ध्यान रखती है। जॉर्ज, आओ कुछ और गड्ढे ढूंढे। पेपा और जॉर्ज को खूब मजा आ रहा है। पेपा को मिला है एक छोटा गड्ढा, जॉर्ज को भी मिला है एक गड्ढा। देखो जॉर्ज, कितना बड़ा गड्ढा है। जॉर्ज बड़े गड्ढे में पहले कूदना चाहता है। रुको जॉर्ज, पहले मैं देख लूँ ये सुरक्षित है या नहीं। अच्छा है, ये तुम्हारे लिए सुरक्षित है। सॉरी जॉर्ज, ये बस मिट्टी ही तो है। पेपा और जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढे बहुत पसंद है। आओ जॉर्ज, हम जाकर डैडी को बुलाते हैं। अरे ये क्या? डैडी, डैडी, सोचो हम क्या कर रहे थे। सोचने दो मुझे, तुम लोग टेलीविजन देख रहे थे क्या? नहीं नहीं डैडी। तुम अभी अभी नहाए हो? नहीं नहीं। ओ अच्छा, तुम मिट्टी के गड्ढों में खेल रहे थे। हाँ हाँ डैडी, हम मिट्टी के गड्ढों में खेल रहे थे। हो, और देखो क्या हाल किया है तुमने। ओ कोई बात नहीं, मिट्टी ही तो है। चलो जल्दी से साफ कर दे वरना मम्मी नाराज होंगी। डैडी, साफ होने के बाद आप और मम्मी हमारे साथ खेलेंगे ना? हाँ, सब गार्डन में खेल सकते हैं। पेपा और जॉर्ज ने अपने बूट पहन रखे हैं। मम्मी और डैडी ने भी अपने बूट पहन रखे हैं। पेपा को पसंद है मिट्टी के गड्ढों में कूदना। सबको पसंद है मिट्टी के गड्ढों में कूदना।
ओह डैडी पिग, देखो क्या हाल बनाया है आपने। ये मिट्टी ही तो है। Mommy Pig at work. मम्मी पिग अपने कंप्यूटर पर काम कर रही हैं। डैडी पिग लंच के लिए सूप बना रहे हैं। डैडी, क्या हम जाकर मम्मी के पास कंप्यूटर पर बैठ जाएं? हाँ, लेकिन तुम उन्हें परेशान नहीं करोगे। उन्हें बहुत सा जरूरी काम करना है। शुक्रिया डैडी। मम्मी पिग को आज बहुत सा जरूरी काम करना है। मम्मी, क्या जॉर्ज और मैं आपके गोद में बैठकर आपका काम देख सकते हैं? हाँ, अगर तुम चुपचाप बैठो तो। पेपा और जॉर्ज को मम्मी को कंप्यूटर पर काम करते देखना पसंद है। मम्मी, क्या हम कंप्यूटर पर हैप्पी मिसेस चिकन खेल सकते हैं? हम हैप्पी मिसेस चिकन बाद में खेल सकते हैं, लेकिन अभी मुझे काम करना है। मम्मी, क्या हम आपकी मदद करें? नहीं पेपा, तुम्हें कंप्यूटर नहीं छूना चाहिए। और जॉर्ज, तुम्हें भी कंप्यूटर नहीं छूना चाहिए। हाँ जॉर्ज, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। पेपा रुको। माफ करना मम्मी, मैं सिर्फ जॉर्ज को बता रही थी क्या नहीं करना चाहिए। ओह डियर, कंप्यूटर तो ये सब नहीं करता है। डैडी पिग, डैडी पिग। क्या बात है मम्मी पिग? डैडी पिग, आप कंप्यूटर ठीक कर सकते हैं? जब तक आप कंप्यूटर ठीक करेंगे मैं लंच बना दूंगी। ठीक है मम्मी पिग, लेकिन मैं इन सब के बारे में ज्यादा नहीं जानता। ओह शुक्रिया डैडी पिग। डैडी पिग कंप्यूटर ठीक करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं इसे सिर्फ बंद करके फिर से शुरू कर दूं। डैडी पिग ने कंप्यूटर ठीक कर दिया। हुर्रे डैडी। हाँ, मैं इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। डैडी, क्या हम वो कंप्यूटर गेम खेल सकते हैं, हैप्पी मिसेस चिकन? मेरे ख्याल से तुम्हें मम्मी से पूछना चाहिए। मम्मी ने कहा हम बाद में खेल सकते हैं। फिर ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि डिस्क कहाँ है। अब मेरी बारी है। अब मेरी बारी है। ऊपर क्या चल रहा है? ओह अच्छा, ये कंप्यूटर फिर से काम कर रहा है।
डैडी लूजेस हिज ग्लासेस। डैडी पिग चश्मा पहनते हैं। उन्हें साफ देखने के लिए चश्मा पहनना पड़ता है। जब डैडी पिग चश्मा पहनते हैं तो उन्हें सब कुछ साफ दिखता है। लेकिन जब डैडी पिग चश्मा उतार देते हैं तो उन्हें चीजें साफ नहीं दिखती हैं। सब कुछ हल्का और धुंधला दिखता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि डैडी पिग को पता हो कि उनका चश्मा कहाँ है। कभी कभी डैडी पिग अपना चश्मा खो देते हैं। पेपा, जॉर्ज, क्या तुमने डैडी पिग का चश्मा देखा है? उन्हें वो कहीं नहीं मिल रहा। नहीं मम्मी। पेपा और जॉर्ज नहीं जानते कि डैडी पिग का चश्मा कहाँ है। ओह डियर, डैडी पिग उसके बिना कुछ नहीं देख पाते और फिर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। बिना अपना चश्मा पहने डैडी पिग अपना अखबार नहीं पढ़ सकते। ये बहुत अजीब है, मैं कुछ नहीं देख सकता। किसी ने तो मेरा चश्मा कहीं रखा होगा। क्या आपको याद है आपने उन्हें आखिरी बार कहाँ रखा था? जब मैं वो नहीं पहनता तो हमेशा उसे अपनी जेब में रखता हूँ, लेकिन अब वो वहाँ नहीं है। डैडी, क्या हम चश्मा ढूंढने में आपकी मदद करें? अच्छा आइडिया है। अगर उसे ढूंढ लोगी तो डैडी चिड़चिड़ाना बंद कर देंगे। मैं चिड़चिड़ा नहीं रहा हूँ। पेपा और जॉर्ज डैडी का चश्मा ढूंढ रहे हैं। पेपा अखबार के नीचे देखती है, लेकिन डैडी पिग का चश्मा वहाँ नहीं है। जॉर्ज टीवी के ऊपर देखता है, लेकिन डैडी पिग का चश्मा वहाँ भी नहीं है। चलो ऊपर मम्मी डैडी के बेडरूम में देखते हैं। पेपा और जॉर्ज मम्मी और डैडी पिग के बेडरूम में ढूंढ रहे हैं। जॉर्ज, ध्यान से किसी चीज से टकरा मत जाना। ये कोई मजाक नहीं है। पेपा तकिए के नीचे देखती है, लेकिन डैडी पिग का चश्मा वहाँ भी नहीं है। जॉर्ज डैडी के स्लीपर्स में देखता है, लेकिन चश्मा वहाँ भी नहीं है। चलो बाथरूम में देखते हैं। पेपा और जॉर्ज बाथरूम में ढूंढ रहे हैं। चश्मा टब में नहीं है। चश्मा टॉयलेट में भी नहीं है। ये बहुत मुश्किल है। पेपा और जॉर्ज को डैडी पिग का चश्मा कहीं नहीं मिल रहा है। हमने सब जगह देखा, लेकिन हमें डैडी का चश्मा नहीं मिला। ओह डियर, अब हम क्या करें? लगता है मुझे उसके बिना ही काम चलाना होगा। अगर मैं धीरे चलूंगा तो मैं चीजों से नहीं टकराऊंगा। ये यहाँ है डैडी का चश्मा। डैडी पिग, आप तब से उसी पर बैठे हुए थे। ओह। अब भी ना डैडी। पता नहीं ये यहाँ कैसे पहुंचा। मैं जानती हूँ कैसे। आप थोड़े भुलक्कड़ तो हैं डैडी पिग, लेकिन अब आप चिड़चिड़े तो नहीं हैं। मैं चिड़चिड़ा नहीं रहा था। आज शानदार धूप खिली है और पेपा और जॉर्ज अपनी साइकिलें चला रहे हैं। कितना बढ़िया पम्पकिन है डैडी पिग। डैडी पिग को अपने पम्पकिन पर नाज है। मुझे बस पम्पकिन ही उगाने आते हैं, शायद इसीलिए मुझे पम्पकिन पाई से प्यार है। जल्दी आओ जॉर्ज। जैनी, सूजी, रिबेका।
पेपा और उसके दोस्त डैनी डॉग, सूजी शीप और रिबेका रैबिट अपनी अपनी साइकिलें चला रहे हैं और जॉर्ज अपनी ट्राइसिकल चला रहा है। ये कितना धीरे चलाता है। चलो डैडी पिग के पंपकिन की तरफ रेस लगाएं। अगर हम डैडी के पंपकिन की तरफ रेस लगाएं तो हमें ध्यान रखना होगा कि उससे टकरा ना जाए। अगर पंपकिन टूट गया तो डैडी बहुत नाराज हो जाएंगे। चिंता मत करो पेपा, रेस करो। पेपा और उसके दोस्त डैडी पिग के पंपकिन की तरफ रेस लगा रहे हैं। हे, मेरे पंपकिन का ध्यान रखना। पेपा ध्यान से, डैडी का पंपकिन। सॉरी डैडी। देखो जॉर्ज को, वो कितने धीरे चला रहा है। जॉर्ज अभी तक बच्चों की साइकिल चलाता है। तुम्हारी भी तो बच्चों की साइकिल है पेपा, इसमें भी बैलेंसर लगे हैं। मैं बिना बैलेंसर के चला सकती हूँ। मैं भी। चलो फिर से पहाड़ी पर चढ़े। तुम आओगी पेपा? नहीं, मैं यहीं पर रहूंगी। बाय बाय। बाय। पेपा चाहती है कि उसकी साइकिल में बैलेंसर ना लगे हों। डैडी, मुझे अपने साइकिल में बैलेंसर नहीं चाहिए। तुम बिना बैलेंसर के चला पाओगी? हाँ। ठीक है पेपा, इसे निकाल देते हैं। डैडी पिग पेपा की साइकिल में से बैलेंसर निकाल रहे हैं। क्या तुम सच में बिना बैलेंसर के चला पाओगी? हाँ। मुझे नहीं लगता तुम चला पाओगी। मैं चला सकती हूँ। हाँ, हाँ। इसमें हंसने जैसा क्या है? बिना बैलेंसर के साइकिल चलाना आसान नहीं होता। मैं तुम्हारी मदद करूं पेपा? हाँ डैडी, प्लीज। ठीक है, रेडी स्टडी गो। छोड़ना मत डैडी। घबराओ मत, मैं पकड़े हुए हूँ। काफी अच्छा चला रही हो पेपा। छोड़ना मत डैडी। बस पैडल चलाती रहो। पेपा बिना बैलेंसर के साइकिल अपने आप चला रही है। डैडी, आपने मुझे छोड़ दिया। तुम तो कितनी देर से अपने आप चला रही हो। सच में? तुम सचमुच बहुत अच्छा चलाती हो। सच में? ओ, मैं चला सकती हूँ। देखो मुझे, देखो मुझे, मैं साइकिल ठीक से चला सकती हूँ। डैनी, सूजी, रिबेका, देखो मैं बिना बैलेंसर के साइकिल चला सकती हूँ। देखो मुझे। चलो डैडी के पंपकिन की तरफ रेस लगाएंगे। पेपा, मेरे पंपकिन का ध्यान रखना। मैं जीत जाऊंगी। पेपा नहीं देख रही कि वो कहाँ जा रही है। पेपा ने तो डैडी पिग के पंपकिन की चटनी बना दी। सॉरी, मैंने आपका पंपकिन तोड़ दिया डैडी। पंपकिन की चिंता मत करो, जरूरी ये है कि तुम ठीक ठाक हो। आगे से ध्यान रखना कि किस तरफ जा रही हो। प्रॉमिस डैडी, जरूर रखूंगी। गुड। हाँ तो जब पंपकिन टूट ही गया है तो क्यों ना इसकी पंपकिन पाई बना ली जाए। मुझे पसंद है पंपकिन पाई। और क्योंकि डैडी पिग का पंपकिन इतना बड़ा है, इसलिए सबके लिए काफी पंपकिन पाई होगी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मम्मी और डैडी पिग घर की सफाई कर रहे हैं। मम्मी पिग और मुझे अटारी में से पुराना बॉक्स मिला है। कोई बता सकता है इसके अंदर क्या है? नहीं। इसमें भरे हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वाओ। ये थोड़े पुराने और धूल भरे हैं। ये वायलिन है, जब मैं छोटी थी इसे बजाती थी। मम्मी, क्या आप ये वायलिन बजा सकती हैं? मैंने इसे बहुत समय से नहीं बजाया। प्लीज मम्मी, प्लीज इसे बजाइए। उम्मीद है मैं नहीं भूली। वाह वाह।
मैं भी वायलिन बजाऊं? इसे ऐसे पकड़ो। ठीक है मम्मी। ओह डियर, मुझे नहीं लगता इसमें से ऐसी आवाज आनी चाहिए। जॉर्ज भी बजाना चाहता है। इसे ऐसे पकड़ो जॉर्ज। ये आवाज भी ठीक नहीं लगती है। वायलिन बजाना बहुत मुश्किल है। पेपा, लगता है तुम ये टिन ड्रम अच्छा बजा सकती हो। शुक्रिया डैडी। ये आवाज ठीक है। पेपा को ड्रम बजाना अच्छा लगता है। बहुत अच्छे। हाँ, इसकी आवाज बहुत अच्छी है। ये डैडी पिक का पुराना अकॉर्डियन है। मैं ये मम्मी पिक के लिए बजाता था जब हम पहली बार मिले थे। ओ डैडी पिक, मुझे ये धुन याद है। जॉर्ज भी अकॉर्डियन बजाना चाहता है। तुम बजाओगे जॉर्ज? अकॉर्डियन काफी मुश्किल है। जॉर्ज, ये अकॉर्डियन बजाना उतना ही मुश्किल है जितना कि मेरा ड्रम। ठीक है जॉर्ज। शायद जॉर्ज अकॉर्डियन बजाने के लिए अभी थोड़ा छोटा है। डैडी, इस बॉक्स में और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? बस ये हॉर्न। क्या मैं बजाऊं? तुम्हें इसे बहुत जोर से बजाना होगा। इसकी आवाज ठीक नहीं लगती। ये बिल्कुल नहीं बजता। मुझे लगता है मैं इसे बजा सकती हूँ। इसकी आवाज सच में अच्छी नहीं है। हो, शायद इसके लिए कोई बड़ा और ताकतवर चाहिए मेरी तरह। ये आवाज भी अच्छी नहीं है। पेपा ठीक कहती है, ये बिल्कुल नहीं बजता। कोई बात नहीं डैडी पिग, आप सिर्फ अकॉर्डियन बजाओ। आप इसे बहुत अच्छा बजाते हो। ठीक है, मैं इसे अच्छा बजाता हूँ, ये तो मैं खुद ही कह रहा हूँ। और मैं अपना वायलिन बजाऊंगी। और मैं ड्रम बजाऊंगी। मम्मी पिग वायलिन बजाती है, डैडी पिग अकॉर्डियन बजाते हैं, पापा ड्रम बजाती है। लेकिन जॉर्ज कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाएगा? जॉर्ज हॉर्न बजा रहा है। मम्मी इसे नहीं बजा सकी, डैडी इसे नहीं बजा सके, और मैं भी इसे नहीं बजा सकी, लेकिन जॉर्ज इसे बजा सकता है।